हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं हरे छोलिया और आलू की सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ। छोलिया आलू की सूखी सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। छोलिया आलू की सब्जी झटपट से बनके तैयार हो जाती है और गर्मा गर्म चपाती और रायते के साथ में बहुत अच्छी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, हरे छोलिया और आलू की सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। छोलिया और आलू की सब्जी को बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने छीलकर इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में कट करके रेडी कर लिया है। इसके अलावा मैंने हरे छोलिया लिए हैं, प्याज लिए हैं जिससे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, और इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप करके रेडी कर लिया है, और हरा धनिया लिया है, हरे धनिए को भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और इसके अलावा स्पाइसेस में हमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर चाहिए। दो मैंने सूखी हुई लाल मिर्च ली है और इसके अलावा मैंने हींग ली है। अब मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, और तेल को पहले हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें सूखी लाल मिर्ची और हींग को डाल रही हूँ, और साथ ही में हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को डाल देंगे। इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे और लहसुन और अदरक को मैं एक मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। लहसुन और अदरक अच्छे से भून चुके हैं, अब मैं इसमें प्याज को डाल रही हूँ और प्याज को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस को ऐड करूंगी। मैं इसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर को ऐड करूंगी। इन सारे मसालों को भी हम अच्छे से मिला लेंगे और इन मसालों को हम एक से दो मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं, अब मैं इसमें कटे हुए आलू डाल रही हूँ, और साथ ही में हम इसमें हरे छोले को डाल देंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मसालों के साथ में मिला लेंगे और इसे भी मैं दो से तीन मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। अब गैस को मैं मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कर दूंगी और इसे ढक के मैं 8 से 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि आलू और हरा छोलिया जो है ये अच्छे से गल जाएं। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी बहुत ही बढ़िया लग रही है और आलू और छोलिया जो है ये अच्छे से गल चुके हैं। अगर इस टाइम पे ये आपको हल्के से भी कच्चे लगते हैं तो आप इसे दो से तीन मिनट तक और ढक के पका सकते हो, लेकिन ये अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। हरे छोलिया और आलू की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स, अब हम गर्मा गर्म सब्जी को सर्व करेंगे। हरे छोलिया और आलू की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और आप इसे गर्मा गर्म चपाती और रायते के साथ में सर्व कर सकते हो, और इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, झटपट से बनके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आलू छोलिया की सब्जी को आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और कुछ भी पूछना चाहते हो आप इस रेसिपी के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।